दोस्तों, प्याज के पकोड़े तो आपने कई बार बनाए होंगे, पर क्या कभी आपने कभी आलू और प्याज के पकोड़े बनाए हैं? अगर नहीं तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। इसे मैं एक खास तरीके से बनाती हूँ जिससे ये एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मौसमी और वेलकम टू माई चैनल खनराज किचन। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया रेसिपी अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज आलू लिया है। अब इसे मैं स्लाइस कर रही हूँ और इसे मैं एकदम पतला पतला काट कर लूंगी। आपको जितना हो सके इसे पतला काट करना है। अब इसे मैं पानी के अंदर डाल के रख दूंगी साइड में। इसे पानी में डालना जरूरी है, अदरवाइज ये काला पड़ जाता है। तो आप ले लिया है एक बड़े साइज का प्याज, इसे भी मैं पतला पतला स्लाइस कर लूंगी। सेम तरीके से हम मिर्ची को भी काट लेंगे। अदरक ले लिया है करीब हाफ इंच जितना, इसे भी हम पतला स्लाइस करेंगे। जितना हो सके आप पतला कीजिए, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लेंगे। अदरक और लहसुन डालने से ये जो पकोड़े हैं इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो आप इसे जरूर डालें। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप कर सकते हो। करीब 6 लहसुन ले लिया है, इसे भी हम चॉप कर लेंगे। आप कुछ धनिया लिया है मुट्ठी भर, इसे भी हम चॉप कर लेंगे। तो हमारा कटिंग चॉपिंग हो गया है। अब हमने जो आलू काट के पानी के अंदर रखा था, इसे भी हम पानी से निकालकर बोल के अंदर डाल देंगे। इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो कोई बात नहीं, बाद में हम इसमें डालेंगे बेसन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर मिला देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर मिलाएंगे, साथ में मिलाएंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ जिसे मैंने हल्का रोस्ट करके थोड़ा सा पीस लिया है दरदरा, उसे भी डाल दिया है। आप सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे ताकि हमें अंदाजा लगे इसमें कितना नमक चाहिए। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर बेसन के हिसाब से भी नमक डाल दिया है। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप जितना बेसन। ये जो कप है इसमें 250 ml जितना पानी आता है। 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी सभी चीज़ों को। इसमें थोड़ा सा बेसन और लगेगा तो मैं 1/2 कप और बेसन ऐड कर रही हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। तो अब इसे मिक्स करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिलाऊँगी और जो मिक्सचर होगा हमारा पकोड़े का वो ना ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना ज़्यादा पतला, तो इसे एक मीडियम कंसिस्टेंसी पे हम रखेंगे ताकि हम इसे इजीली गोल शेप दे सकें। बहुत ज़्यादा पतला होने से इसमें शेप हम नहीं दे पाएंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसे ऐसे गोल शेप दे देंगे और इसे हम मीडियम हॉट ऑयल पे फ्राई करेंगे। तो पहली बार में हम इसे पूरा फ्राई नहीं करेंगे, इसे बस हमें 1/2 कुक करना है। तो इसे हम मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसे हाफ डन करना है, अभी पूरा फ्राई हम नहीं करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है तो हम इसे अभी निकाल लेंगे। तो इसे हमने एक स्टील की प्लेट के अंदर निकाल लिया है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ऐसे एक ग्लास या एक कटोरी लेके इसे हम चपटा कर लेंगे। ऐसे सभी को पहले कर लेंगे चपटा, उसके बाद हम इसे फिर से फ्राई करेंगे। ऐसा करने से हमारा जो पकोड़ा है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाला है। तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो सारा पकोड़ा हमारा रेडी है सेकंड टाइम फ्राई होने के लिए।
तो मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे फिर से फ्राई करेंगे और ये कुछ सेकंड के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसे बस अच्छा सुनहरा कलर आने तक हमें फ्राई करना है और ये बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा कलर आने पर आपको इसे निकाल लेना है। तो हमारा आलू और प्याज की पकौड़े बिल्कुल तैयार है। इसे हम सर्व कर देंगे गर्मा गर्म शाम के चाय के साथ। ये बहुत ही बढ़िया लगता है, इसे आप एक बार ट्राई जरूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।